सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय जय श्री राम। एंड एज यूजुअल मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट अपडेट लेके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने सागर कतुर्दे भाई के बारे में। एंड जैसे गाइज इनको डायरेक्टली सरप्राइज देने की आदत सी पड़ चुकी है। एंड वो क्यों? वो गाइज इसलिए क्योंकि अपने सागर कतुर्दे भाई एक और शो के अंदर कॉम्पीट करते हैं। एंड आई थिंक सो गाइज शो का जो नेम है वो मिस्टर इंडिया बेस्ट पोजर ऐसा कुछ करके नेम रहा होगा। बिल फिलहाल में गाइज वो जो है वो ओवरऑल चैंपियन को वो अपने नाम कर लेते हैं, यानी कि ओवरऑल चैंपियन का जो टाइटल है उसको अपने नाम कर लेते हैं। एंड उससे पहले भी गाइज इस शो मैंने अपडेट कवर किया था जिसमें कि अपने सागर कतुर्दे भाई उसमें भी ओवरऑल चैंपियन बनते हैं। तो भाई इसीलिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज दे रहे हैं आजकल अपने सागर कतुर्दे भाई, बैक टू बैक शो कॉम्पीट करते जा रहे हैं वो भी बिना अपडेट के। हालांकि वो इंस्टा या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इतने ज़्यादा एक्टिव रहते भी नहीं है, बट फिलहाल में गाइज वो शो भी कॉम्पीट करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली एंड वो जीतते भी जा रहे हैं। सो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू सागर कतुर्दे भाई। एंड लेट्स सी आगे और कौन सा शो हम लोग को देखने को मिलता है। एंड हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अब कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सैमसन दौदा के बारे में। तो सैमसन दौदा इस टाइम के बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएटिंग एथलीट बन चुके हैं। एंड गाइस जिस तरह से वो हम लोग को अभी दिख रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक से 6 वीक्स पहले, लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव अभी लग रहे हैं। एंड प्रेजेंट टाइम के फिजिक अपडेट के अंदर आप लोग देख सकते हो कि उनकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी 6 वीक्स पहले ही एक स्टेज रेडी बॉडी लग रही है। एंड आप लोग देखोगे कि वो 6 वीक्स पहले ही अपनी बैक में, अपनी लोअर बॉडी के अंदर एंड फ्रंट बॉडी तो भाई डेफिनेटली क्या ही दिख रही है, अनबीटेबल अभी हम लोग को सैमसंग दौदा नज़र आ रहे हैं। एंड एक छोटा सा कंपेरिजन लेके आया हूँ मैं, सैमसंग दौदा आर्नोल्ड क्लासिक 2023 प्रेप वर्सेस सैमसंग दौदा आर्नोल्ड क्लासिक 2024 की प्रेप। एंड यहाँ पे जो आप लोग का राइट वाला है वो गाइज उनके 2024 आर्नोल्ड क्लासिक प्रेप का है, एंड जो लेफ्ट वाला है वो आर्नोल्ड क्लासिक 2023 का है। तो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस एंड वो भी इतना ह्यूज डिफरेंट आप लोग को सीधा सीधा नज़र आ गया होगा। एंड वो देख सकते हो इस बार वो सिर्फ मसल मास में ही नहीं बल्कि भाई डिटेलिंग वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस बार हम लोग को वो आर्नोल्ड क्लासिक में वन ऑफ द बेस्ट पैकेज दिखाते हुए नज़र आएंगे। सो लेट्स सी गाइस, अब तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई आर्नोल्ड क्लासिक इस बार का। एंड हम लोग बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग इस शो को कर देने वाले नेम की तरफ, जिनका नेम है रूवियल मॉस्क्वेरा। तो गाइस जिनको आप लोग नेक जिला के नाम से भी जानते हो, तो नेक जिला लिटरली इस बार आप लोग को एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव कंडीशनिंग नज़र आएंगे। यस गाइस, वो कंडीशनिंग में इस बार हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं एंड वो भी अपनी वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग के अंदर। तो मसल मास के लिए हम लोग उनको जानते हैं एंड इस बार वो इसको मसल मास प्लस कंडीशनिंग दोनों ही हम लोग को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आएंगे आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर। एंड लिटरली गाइज मेरे को इतना तो कन्फर्म नहीं है कि ऐसा करने वाले नेक्स्ट जिला आई थिंक पहले एथलीट होंगे या फिर कितने नंबर के, बट गाइज उन्होंने सिर्फ एक प्रो शो ही खेला है जिसमें कि गाइज उनकी आई थिंक 4th प्लेसिंग आई थी या फिर थर्ड प्लेसिंग आई थी। एंड उसके बाद में गाइज डायरेक्टली वो हम लोग को कॉम्पीट करते हुए कहाँ नज़र आते हैं, एक मिनी ओलंपिया यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर। जी हाँ गाइज, तो डेफिनेटली भाई उस एथलीट में काफ़ी पोटेंशियल है एंड गाइज वो पूरा पूरा दम रखते हैं कि उनके जो फैंस हैं ये बॉडी बिल्डिंग के फैंस की हार्ट बीट तेज करने की बात। बाकी लेट्स सी आएंगे क्या अपडेट्स आते हैं एंड कैसा रहता है उनका आर्नोल्ड क्लासिक प्रेप। सो अब बढ़ते हैं गाइज आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया 2022 विजन को बिल्कुल ही चेंज करने वाले क्रेयन प्रोडजी के बारे में। तो गाइज रिसेंट में अपना फिजिक अपडेट के साथ में हम लोग को नज़र आते हैं जिसमें कि मसल मास एज यूजुअल हम लोग को नज़र आएगा, कुछ ज़्यादा फर्क हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह हम लोग को मिस्टर ओलंपिया के अंदर नज़र आए थे एज यूजुअल वो उसी मसल साइज पे हम लोग को देखने को फिलहाल में मिल रहे हैं। एंड वो अपनी बॉडी को चेक इन करते हैं जिसमें कि आप लोग उनकी फिजिक देखोगे तो साइज़ में तो उतनी नज़र आएगी एंड कंडीशनिंग वाइज वो थोड़ा इंप्रूव करने वाले हैं। एंड जिस तरह के गाइज उनके बॉडी प्रपोजल से एंड फिलहाल में जिस तरह के वो लग रहे हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि 2024 के अंदर वो ओलंपिया में वो अपना कंडीशनिंग वाइज एंड इस बार गाइज जो और वो ऑफ सीजन करेंगे वो लीन मास गेन करने की तरफ ही जाएंगे जितना कि मुझे लगता है।
वेल अभी उनकी तरफ से तो कुछ और अपडेट्स नहीं आई हैं कि आखिरकार उनके प्रेप में या फिर उनका क्या माइंडसेट रहेगा इस बार 2024 मिस्टर ओलंपिया का। जैसे कुछ और अपडेट्स हम लोग को पता चलती हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड गाइस आज की इस वीडियो में तो इतनी अपडेट्स थे। अगर वो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो है वो ऑल पर प्रेस कर लेना। एंड मैं बताऊँ आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।